हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। आज इस वीडियो में राजस्थान की संपूर्ण सरकारी जितने भी योजना चला रखी है गवर्नमेंट ने, वो सारी योजना हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आपने देखा है जितने भी एग्जाम अभी तक हुए हैं 2018 में, सभी में योजनाओं के प्रश्न बने हैं। और ये टोटल जितनी भी योजनाएं राजस्थान में हैं, इस एक वीडियो में मैं जस्ट क्विक रिवाइज आपको करा रहा हूँ, ताकि आप कोई चीज भूले नहीं, आप कोई चीज मिस ना करें, क्योंकि क्वेश्चन इसी प्रकार का बनता है। एक बात और बता दूं, ये योजनाओं का पीडीएफ जो है, ये भी मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा, उस पर डाल दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लीजिएगा और पढ़िएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, समय बहुत कम है। यहाँ पर सबसे पहले आती है भामाशाह योजना। दोस्तों, भामाशाह योजनाओं को एक बात मैं आपको बता दूं, ये क्या है? ये है मदर मदर ऑफ ऑल योजनाएं हैं राजस्थान के अंदर। अगर भामाशाह योजना आपको नहीं पता है, तो और योजनाओं को याद करने के बारे में छोड़ दीजिए। भामाशाह योजना की कई विभिन्न प्रकार की योजनाएं निकल निकल कर आती है, उनके नाम भामाशाह के नाम पे ही होते हैं। जब भामाशाह योजना की बात कर रहे हैं, तो एक बार आप इतना भी ध्यान रख लीजिएगा, ये भामाशाह नाम है, ये कहाँ से आया है, इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। भामाशाह कौन था, प्रश्न पूछा जा सकता है, या किसे भामाशाह कहते हैं, ये हिंदी में भी होता है। आगे हम देखते हैं भामाशाह योजना क्या है। भामाशाह योजना की शुरुआत 2008 में पुनः शुरू हुई है, दोबारा 15 अगस्त 2014 में। तो पहली शुरुआत कब हुई थी? 2008 में पहली शुरुआत हुई। दोबारा कब हुई? ये हुई थी 15 अगस्त 2014 को। 15 अगस्त है यहाँ पर, 2015 मत कर देना, 2014 को ये हुई है, ठीक है ना? तो पहले 8 में, फिर 14 में, ठीक है? आगे हम चलते हैं, क्या चीज है? राजस्थान सरकार की योजना है जो प्राप्तकर्ताओं को सीधे वित्तीय और गैर वित्तीय लाभों को देती है। एक बात मैं बता दूं, वित्तीय और गैर वित्तीय लाभ क्या होते हैं? डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, ये पैसा आएगा, ये होगा आपका वित्तीय लाभ, ठीक है ना? गैर वित्तीय लाभ ये होता है, डायरेक्ट आपके पास जो है लाभ पहुंच रहा है। किस प्रकार से? आप मेडिकल पे गए, वहां पर आपके बिल बना 700 रुपए का, वो 700 रुपए की जो दवाइयां हैं आपको फ्री में मिल गई। आप राशन लेने गए, वहां पे आपका बिल बना 200 रुपए का, 200 रुपए में से 100 रुपए आपके लिए गए, 100 रुपए माइनस कर दिए गए सरकार की तरफ से। ये है गैर वित्तीय लाभ, समझ में आई बात? तो वित्तीय और गैर वित्तीय लाभ आपको देगी। इसके बाद जो है, विभिन्न नकदी के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मनरेगा, जननी सुरक्षा, राष्ट्रीय योजना, पालनहार पेंशन योजना, राशन वितरण योजना आदि गैर नगद योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। इसके संबंध में एक चीज और आई है, भामाशाह कार्ड भी बनाए गए हैं। भामाशाह कार्ड बनाए गए हैं, उससे डायरेक्ट लाभ मिल रहा है लोगों को, और उस कार्ड को एक आधार कार्ड से लिंक करके आपके जो है एक तरह का आइडेंटिटी कार्ड वो मान लिया गया है, उसके तहत बहुत सारे काम आपके हो सकते हैं। भामाशाह कार्ड से ही आपके अकाउंट में पैसे भी आ जाते हैं, आपका बैंक अकाउंट भी उससे लिंक है। तो एक प्रकार से भामाशाह कार्ड जो है, एक ग्लोबल कार्ड मान सकते हैं आप राजस्थान के लिए। ये एक दूसरी बात, ये भी घर की सबसे बड़ी महिला के नाम पे खाता होगा। भामाशाह योजना की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आपका जो मुखिया बनाया जाता था, वो मर्द ना होकर के औरत होगी, यानी पुरुष ना होकर के महिला होगी। घर की जो भी महिला, अगर आपके घर में सबसे बड़ी महिला आपकी सिस्टर है, मदर आपके नहीं है, तो वो मुखिया होगी। आपके घर में सबसे बड़ी महिला आपकी मदर है, तो वो होगी। और आपके घर में सबसे बड़ी महिला जो है आपकी वाइफ है, तो वो होगी। डेफिनेटली स्त्री लिंग में सबसे बड़ा वो मुखिया होता है इस योजना के अंतर्गत, ठीक है? कि समझ में आएगी बात? तो सिंपली इसके पूछे जाए कि क्या क्या चीजें हो सकती है, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको दे रही है? महिलाओं के लिए, ठीक है ना? महिलाओं के लिए कैसे? क्योंकि महिला को इसने एक एम्पावर दिया है, इम्प्रूव किया है उनकी कंडीशंस को, उनको एक मुखिया के तौर पर प्रोजेक्ट करना है, इसका पहला बेनिफिट है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, ये एक ऐसी योजना है जिससे डायरेक्ट अकाउंट में पैसे भी आ रहे हैं, समझिए आगे बात। तो ये वित्तीय और गैर वित्तीय वाला प्रश्न बन सकता है, ध्यान रख लेना। डेट्स को आप देख लेना, दोबारा कब हुई, पहले कब हुई थी। आगे चलते हैं, आगे आपके पास आती है, ये प्रश्न पूछा गया है, आईए का भी एग्जाम हुआ था, उसमें ये प्रश्न पूछा था अन्नपूर्णा भंडार योजना के बारे में। बेसिकली अन्नपूर्णा भंडार योजना कुछ नहीं होती, एक दुकान होती है जहां से आप अच्छी चीजें खरीद सकते हैं, खाने वाली योजना नहीं है ये, वो अन्नपूर्णा रसोई योजना है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रसोई एंड भंडार। भंडार से आप खरीदेंगे और रसोई से आप खाएंगे, ठीक है? शुरुआत हुई थी 12 अक्टूबर 2015 को जयपुर के भंभोरी गाँव से ये शुरुआत हुई थी, ध्यान रख लेना। जयपुर का एक गाँव है जिसका नाम है भंभोरी, वहां से सब शुरू हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है जिसको पीपीपी मॉडल पर आधारित है। ये पीपीपी मॉडल आप जानते होंगे, इसमें पब्लिक प्राइवेट का मतलब एक पार्टनरशिप होती है। आगे हम चलें,
उद्देश्य क्या है? राजस्थान सरकार के राशन दुकानों के माध्यम से बहु ब्रांड उपभोक्ताओं की वस्तुएं बेचने का। तो कहीं ना कहीं बात वही आ जाती है, मैंने कहा ना एक दुकान है जो ब्रांडेड चीजें देती है, ठीक है ना, उसके साथ एक समझौता भी किया है, एमओयू साइन किया है, तो अच्छी अच्छी चीजें आपको जो उचित मूल्य की दुकान है उससे दी जाती है। प्रश्न भी ऐसे बना था कि अन्नपूर्णा भंडार योजना संबंधित है, उचित मूल्य की दुकान से ही संबंधित होती है। पहले चरण में 5,000 राशन की दुकानें संचालित की जा रही है। वर्तमान में 6,124 भंडार कार्य कर रहे हैं एवं 150 से अधिक ब्रांड वस्तुएं उपलब्ध है, यानी कि जो आपकी उचित मूल्य की दुकान थी उसके माध्यम से आपका जो है ब्रांडेड चीजें भी वहां मिल रही है। तो एक अच्छी योजना है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में इसमें शामिल होंगे, जो लोग इसमें शामिल है वो इसके लिए पात्र होंगे। उसके बाद आगे चलते अपन, फिर ये अगेन भामाशाह आ जाती है। भामाशाह के कई सारे पार्ट हैं, वो सारे पार्ट में से प्रश्न बन रहे हैं। एक है भामाशाह बीमा योजना। अब बीमा योजना में क्या होगा दोस्तों, जहां बीमा आ गया वहां समझ लीजिए आपका बीमा करवाया जाएगा, पर्टिकुलर अमाउंट आपको दिया जाएगा। बीमे का मतलब यही होता है, कब दिया जाएगा, जब आपको क्षति हो, आपको कोई इमरजेंसी क्षति हो, या आपको फिजिकली कुछ क्षति हो, या आपकी डेथ हो, तीन प्रकार के क्षति मैंने आपको बताई, ऐसा होगा तो आपको पैसा मिलेगा। अब आपकी डेथ हो गई तो आपको कैसे पैसा मिलेगा, आपके जो नॉमिनीज होंगे उसको पैसा मिलेगा। होता क्या है, शुरुआत 15 दिसंबर, सॉरी 13 दिसंबर 2015 शुरुआत की डेट आप ध्यान रख लेना। पात्र परिवारों को कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएगी, यानी जो इसके लिए पात्र हैं उनको स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएगी भामाशाह योजना के अंतर्गत, सरकारी व निजी अस्पतालों दोनों में। मतलब आप किसी भी अस्पताल में जाके इलाज करें, इवन वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, आपको जो है सेवाएं दी जाएगी, ठीक है, सरकारी व निजी कोई सा भी हो आपका। बेसिकली इस योजना का उद्देश्य ये है कि कैशलेस जब आप करते हैं तो उसमें जो पैसा है यानी कि जो नोट आपके होते हैं वो उनका कोई वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि आपके एक कार्ड से ही आपको जो है पेमेंट हो जाता है। तो आप कोई से भी हॉस्पिटल में पेमेंट कर सकते हैं भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत। उसमें क्या होता है कि जो आपका पेमेंट है वो रोगियों को नगद रहित सुविधा दी जाती है, नगद रहित यानी कैशलेस। तो कैशलेस सुविधा भामाशाह योजना के अंतर्गत दी जा रही है, ध्यान रख लेना। और इसके अंदर जो योगी रोगी होते हैं उनको नगद रहित सुविधा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा बीमा कंपनी एक है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से अस्थायी तौर पर प्रतिवर्ष निश्चित प्रीमियम प्रतिवर्ष परिवार निश्चित किया गया है, यानी कि एक बीमा भी करवाया गया है। सामान्य बीमारी के लिए 30,000 रुपये प्रतिवर्ष, गंभीर बीमारी के लिए 3 लाख प्रतिवर्ष, और योग्य परिवार के लिए अतिरिक्त अस्पताल में भर्ती के दौरान हुए खर्च और 7 दिन पहले से 15 दिन बाद तक के खर्च को शामिल किया गया है। तो आप देख सकते हैं कितना लार्ज स्केल इस योजना का है। ये योजना बेसिकली कैशलेस भी संबंधित है, रोगियों से संबंधित है, बीमा आ रहा है न्यू इंश्योरेंस इंडिया कंपनी का, प्लस ये आपको डायरेक्ट जो है सुविधाएं दे रहा है, प्लस सरकारी और प्राइवेट दोनों जगह पे दे रहा है। इस योजना में जो रोग हैं वो रोग शामिल है 1715, यानी कि 1715। तो ये भी पूछे जा सकते हैं कितने रोग शामिल हैं, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, अगला अपना आता है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। आपको पता होगा 2 अक्टूबर 2011 को ये शुरुआत बताई गई है। वैसे पहले भी इस प्रकार की योजनाएं चल रही थी, जैसे जैसे सरकारें परिवर्तन होती योजनाएं परिवर्तित हो जाती है, पढ़ना अपन को पड़ता है। आगे चलते हैं, उद्देश्य चिकित्सा महाविद्यालय से जुड़े अस्पताल, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होता है आपका उप स्वास्थ्य केंद्र या बाहरी अंतर्गत मरीजों के लिए आवश्यक दवाएं मुफ्त कराना। कुल मिला के ये सरकारी हॉस्पिटल में जितनी भी दवाएं हैं सब फ्री दी जाएगी, ये इसका मतलब है। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के केंद्रीय खरीद एजेंसी के रूप में गठित किया गया है इसको, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लेना, ये जो तीर का निशान बना हुआ है, और यही इतनी सी बात है इसके अंदर आती है। इसके बाद एक आता है अंतरा इंजेक्शन योजना। दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, पूछी जा सकती है अंतरा इंजेक्शन योजना। तो अंतरा इंजेक्शन योजना क्या होती है, इसकी शुरुआत सबसे पहले मैं बता दूं भीलवाड़ा से हुई थी, आपको याद होना चाहिए भीलवाड़ा से ये शुरुआत की गई है। गर्भ निरोधक इंजेक्शन के माध्यम से परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है। मतलब कुल मिला के क्या है, फैमिली प्लानिंग वाली चीज है। एक इंजेक्शन लगाया जाता है, उससे क्या है गर्भ जो है नहीं होता, और उससे क्या है कि आपकी जो आबादी है उसको रोकने का कहीं ना कहीं प्रयास है। यह 3 महीने तक कारगर है, मतलब एक बार इंजेक्शन लगाइए और 3 महीने तक कोई दिक्कत नहीं होगी,
इन दैट केस इच्छुक जोड़ों के लिए सरकारी अस्पताल में निशुल्क उपलब्ध कराया गया है। तो एक ऐसा इंजेक्शन बनाया गया अंतरा, तो अंतरा का मतलब ये होता है 3 महीने का टाइम पीरियड है, 3 महीने का अंतरा हो जाएगा, 3 महीने तक आप फ्री हो, उसके बाद फिर इंजेक्शन लगाइए, फिर 3 महीने तक आप फ्री हो, आपको कोई गर्भ नहीं होगा। तो ये बेसिकली एक जो जनरेशन है उसको पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए एक सोशल कोजेज योजना ये है। आगे हम चलते हैं, अगली योजना अपने पास आती है, अगली योजना है नया सवेरा योजना, है बहुत महत्वपूर्ण योजना है, ध्यान से ध्यान रख लेना इसको। शुरुआत 31 मार्च 2016 को हुई, हाल ही में हुई, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, और उद्देश्य जो है राज्य के सभी डोडा पोस्ट उपयोगकर्ताओं को नशा मुक्त करना है। तो ये नया सवेरा योजना है जो अपने राज्य के जो साउथ वाले पार्ट हैं उसमें ज्यादातर कारगर साबित हुई है। साउथ वाला पार्ट आप जानते हैं, नीचे वाला पार्ट है, चित्तौड़गढ़ आता है, प्रतापगढ़ आता है, आपका ये जो पूरा एरिया आता है उसमें काफी ज्यादा ये चीजें प्रचलित है। तो उसके लिए नया सवेरा एक अच्छी योजना है। तो ये बेसिकली डोडा पोस्ट उपयोगकर्ताओं को नशा मुक्त करने के लिए बनाई गई। तो नशे के लिए जो बनाई गई है वो बनाई गई नया सवेरा, अंतरा बनाइए जो व्यक्ति 3 महीने का अंतर चाहते हैं उनके लिए, ताकि कोई दिक्कत ना हो। आशा एक ऐसी योजना है, आशा ये क्या है, एनआरएचएम के अंतर्गत एनआरएचएम गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा का पद स्वीकृत किया गया है 2005 के अंतर्गत। तो ये एक आशा योजना भी चलाई गई है। अब इस आशा योजना के अंतर्गत 2005 में क्या किया, आशा का पद स्वीकृत कर दिया गया है और उसका चयन जो है ग्राम पंचायत माध्यम से किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये एनआरएचएम के वाली योजना समझ में आ जाती है, आशा योजना। आगे आते हैं अपनी नंदघर योजना, दोस्तों ये महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है नंदघर योजना। यह आंगनबाड़ी केंद्रों की मदद के लिए कार्य करती है, शुरुआत 2015 में हुई थी, मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास, महिला सुपरवाइजर की कोई तैयारी कर रहा हो यहाँ पर ध्यान रख लेना, इस योजना में आपको काम करना पड़ेगा, बहुत सारे काम इस योजना के इम्प्लीमेंट करवाने होंगे। जितने भी महिला सुपरवाइजर्स होते हैं या सुपरवाइजर्स होते हैं, क्योंकि महिला तो उनके आगे लगा दिए गए, वैसे पोस्ट तो सुपरवाइजर की है वो सारे इस योजनाओं को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, इस टाइप की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। कई बार पूछा जाता है कि महिला सुपरवाइजर के कार्य क्या होते हैं, तो यही कार्य उनमें आते हैं जो कि महिला में बाल विकास के अंतर्गत जितनी भी योजनाएं राज्य सरकारी और केंद्र सरकारी आती उनको क्रियान्वयन करवाना। आगे आता है उद्देश्य, आंगनबाड़ी केंद्रों के आधुनिकीकरण में सामुदायिक सहयोग का लाभ लेना और एनजीओ कॉर्पोरेट दानदाता इन केंद्रों को गोद में लेकर इनका विकास कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के यही, आंगनबाड़ी को प्रमोट किया जाता है, दान दिया जाता है और दान लिया जाता है। तो इस प्रकार सारी चीजें होती है, महिला बाल विकास के अंतर्गत आती है, 2005 में सारी चीजें हुई। तो नंदघर योजना आपको याद रखनी है। पालनहार योजना, दोस्तों पालनहार योजना शुरुआत हुई थी 2004-5 में, बहुत बढ़िया योजना है ये भी एक प्रकार से देखे जाए तो। इसके बारे में देखते हैं अपन, पालनहार योजना उद्देश्य इसका था कि जहां से आप देख सकते हैं पालनहार, तो पालनहार कौन होता है, जो आपको पालता है, पालन करता है, आपका पालन कौन करता है, माता पिता है। लेकिन कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके माता पिता नहीं होते, तो अनाथ जो बच्चे होते हैं उनके देखभाल करने के लिए, बच्चों की देखभाल के लिए देखभाल करने वाले व्यक्ति को पालनहार कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न बन सकता है कि इस योजना में पालनहार किसे कहा गया है, ठीक है ना। तो भगवान को नहीं किया गया, उस व्यक्ति को कहा गया है जो देखभाल करेगा। वैसे तो पालनहार हम भगवान को मानते हैं। इस योजना में 0 से 6 वर्ष का बालक जो आंगनबाड़ी जाता है उससे 500 रुपये माह, और 6 से 18 वर्ष की उम्र वाले स्कूल जाने वाले बच्चों को 1,000 रुपये प्रति माह और 2,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। ये जो है आपको इस प्रकार से सारी चीजें हैं, और ये वार्षिक अनुदान है, मतलब वर्ष तक चलेंगे, प्रति माह जो है वर्ष तक चलेंगे। आगे चलते हैं मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना, बहुत महत्वपूर्ण योजना एक और है, शुरुआत 1 जून 2016 को हुई है, उद्देश्य बेटियों के जन्म को प्रोत्साहन एवं सुरक्षा। 1 जून 2016 को इसके पश्चात जन्म लेने वाली बालिकाएं हैं जो सरकारी अस्पतालों में, पंजीकृत अस्पतालों में पैदा हुई है, इनके लिए शिक्षा के लिए 6 चरणों में 50,000 रुपये देने की बात की है। तो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना में क्या होगा कि 6 चरण में डिवाइड की जाएगी, 6 किस्तें बनेगी। तो अब ये किस्तें कब बनेगी, जो बेटियां महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती है उनकी भी डिलीवरी होती है, अगर वो डिलीवरी आपकी जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होती है, तो आपको जो है 1 जून 2016 के बाद ऐसा केसेस हुआ है तो आपको क्या मिलेंगे, 50,000 रुपये मिलेंगे। 50,000 रुपये डायरेक्ट नहीं दिए जाएंगे, वो 6 किस्तें उसकी बनेगी, कब बनेगी, जब जन्म हुई, इस प्रकार से सारी चीजें होंगी, टीकाकरण पर प्रवेश पर कक्षा छह में प्रवेश पर कक्षा 10 में प्रवेश कक्षा 12 के बाद, और कुल 50,000 रुपये आपको दे दिए जाएंगे। तो डेफिनेटली ये है, इस योजना को बहुत बढ़िया तरीके से इस प्रकार से बनाया गया है कि अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हैं तो मिलेंगे, अगर आप बेटी को नहीं पढ़ाते हैं तो नहीं मिलेंगे। तो डेफिनेटली ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली योजना के संबंध भी रखती है। आगे हम चलते हैं
अगला अपना आता है जिसके अपन बात कर रहे थे, वो है अन्नपूर्णा रसोई योजना। दोस्तों अन्नपूर्णा रसोई योजना, अन्नपूर्णा भंडार योजना दोनों ही महत्वपूर्ण है। भंडार में मिलते हैं कपड़े अच्छी अच्छी ब्रांड के, अच्छी अच्छी और भी आइटम। अन्नपूर्णा में क्या मिलता है, ये जो है योजना, इसका डेट देख लेते हैं कब शुरू हुई। इसकी डेट यहाँ पर नहीं है, इसकी डेट मैं आपको बता दूंगा गूगल करके। ये बेसिकली उद्देश्य इसका एक किफायती और गुणवत्तापूर्ण भोजन करना। इसकी डेट भी देखना, यहाँ पर मेंशन नहीं की गई, डेट भी बहुत महत्वपूर्ण है इसकी। ये बेसिकली जयपुर में लॉन्च हुई थी, जितना मेरे को पता था, मैं जब ये लॉन्च हुई थी तब मैं भी जयपुर में ही था, वहाँ पर जहाँ से लॉन्च हुई थी। और लाभार्थी क्या होते हैं, श्रमिक, रिक्शा चालक, ऑटो, ये तो लिखा हुआ है, कोई भी व्यक्ति। बेसिकली अभी नया जो प्रपोजल इस योजना के अंतर्गत आया वो ये आया कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट्स हैं उन कलेक्ट्रेट्स के अंदर ये लगना जरूरी है, और वहां के जो डीएम और एडीएम्स होते हैं उनको इसमें एक बार खाना खाना पड़ेगा। तो जिस दिन ये लगेगी उस दिन खाना खाना पड़ता है। आगे अपना आता है भामाशाह रोजगार सृजन योजना। मैंने कहा ना भामाशाह इज द मदर, ठीक है ना। तो ये जहां पर आ जाएगी आपको समझ जाना है, एक कार्ड होगा, कैशलेस होगा, इतना तो अपन समझ चुके हैं। बीमा मिलता है, रोजगार भी मिलने की इसमें संभावना है। और मुखिया कौन होती है, महिला होती है, याद हो रहा है ना। ये सारी चीजें एक साथ इकट्ठी करके लाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हम दे सकें और आपको फायदा कर सकें, ठीक है ना। तो आप इसका लाभ लें, क्योंकि ये सारी चीजें मैं पहले बता चुका हूँ इंडिविजुअली, लेकिन फिर भी दोबारा आपको रिपीट करवा रहे हैं ताकि आप इसका फायदा उठा सकें, ठीक है ना। तो हमारी मेहनत को भी थोड़ा सा आप यूटिलाइज कीजिएगा और इसका फायदा लीजिएगा। फायदा लेना मतलब ये नहीं कि योजना से जुड़े, फायदा लेने का मतलब ये आपके एग्जाम में प्रश्न आए तो सही होना चाहिए, बाकी फिर आप अपनी देख लेना। उद्देश्य इसका क्या है, पंजीकृत बेरोजगारों और महिलाओं, अजा अजजा, ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवाओं तथा अनपढ़ अशिक्षित और महिलाओं के लिए स्वयं उद्यम स्थापित करने एवं बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान करके स्वरोजगार की व्यवस्था करवाना इसका उद्देश्य है। कुल मिलाकर जो भी बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हों, बिना पढ़े लिखे हों, अनुसूचित जाति के हों, अनुसूचित जनजाति के हों, ऐसे लोगों के लिए रोजगार प्रदान करेगी ये योजना, भामाशाह रोजगार सृजन योजना। इसके अंदर क्या है, योग्यता 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की सभी महिलाएं और पुरुष जिनके परिवार की आय जो है 6 लाख से अधिक नहीं हो, राजस्थान के निवासी हो, ये इसकी योग्यता है। तो ये तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग इसके अंदर आ जाते हैं, 6 लाख तो बहुत कम की है। बेरोजगार युवाओं को 4% ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी, ये बात सही है, ऐसा हुआ भी है। मेरे कई ऐसे जानकार हैं जिन्होंने ये लोन उठाया है। अगर आप भी अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो उठा सकते हैं, कोई वो नहीं है। और ये कहाँ मिलेगा आपको, आपके जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट है ना उसमें एक लेखा शाखा होती है, ठीक है, वहां पर ये सारी चीजें होती है। जाकर ट्राई किया करो, ये सारी चीजें वैसे ही आ जाती है, रटने की चीजें नहीं है। यहाँ पर सेवाओं और व्यापार से अधिकतम 5 लाख रुपए से एवं औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए 10 लाख रुपए के ऋण की सुविधा है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा ऋण होता है, ऐसा ऋण मिलना आसानी की बात नहीं होती। आगे चलते हैं, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। दोस्तों मेवात क्षेत्र कौन सा है पहले तो ये पता कर लो, कमेंट करके बताओ मेरे को, 10 बार बता चुका हूँ ये क्षेत्र कौन सा है। मेवात क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों, शुरुआत की गई थी सन 1987-88 में, ये ध्यान रख लेना, 1987-88 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये पूछा जा सकता है। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम मेव समुदाय के अलवर और भरतपुर के 12 ब्लॉक में कार्यरत मेव एक पिछड़ा समुदाय, अतः इस क्षेत्र के संपूर्ण कार्मिक सामाजिक विकास हेतु चलाई गई एक योजना है जो अक्सर पूछी जाती है, और ये इतनी पुरानी है तो पूछी जाएगी भी। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, दोस्तों डांग क्षेत्र कौन सा है कमेंट में लिखिए। शुरुआत हुई थी 2004-05 में, 8 जिलों की 26 पंचायत समितियों की 394 ग्राम पंचायतें कार्यरत है इस योजना के अंतर्गत, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंदर। करौली, सवाईमाधोपुर, बारा, धौलपुर, कोटा, झालावाड़, बूंदी, भरतपुर, ये आता है पूरा, इसकी 26 पंचायतें इसके अंदर आती है। आगे अपनी आती है मगरा विकास कार्यक्रम। दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसका शुरुआत जो हुआ था 2004-05 में हुआ था। उद्देश्य इसका है राजस्थान, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद और पाली के पहाड़ी क्षेत्रों से घिरे मगरा क्षेत्र का विकास करना। दोस्तों ये मगरा क्षेत्र विकास योजना जो है मगरा क्षेत्र का विकास करने के लिए बनाई गई है, और 5 जिलों के 14 इलाकों में ये कार्यरत है। और इस क्षेत्र में विकास के लिए लघु सिंचाई, पशुपालन, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल विकास, कुल मिला के सारी चुनावी जो बातें होती वो इसमें डाल दी गई है। इस प्रकार की योजना है, एक पर्टिकुलर क्षेत्र है मगरा क्षेत्र, उसके लिए बनाई गई है। इतना आपको याद रखना है, मगरा क्षेत्र के लिए 5 जिले, मगरा क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं इनको आप ध्यान रख लीजिएगा। एक आता है MLA LD। दोस्तों MLA LD एक योजना है जिसकी स्वीकृत राशि जो है 2.25 करोड़ प्रतिवर्ष रखी गई है।
तो ये स्वीकृत राशि का प्रश्न बन सकता है। उद्देश्य सार्वजनिक उपयोगिता की मूलभूत संरचना बनाने के लिए विकास में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए आधारभूत संरचना का विकास करना। कुल मिला के जो आधारभूत संरचना है उसका विकास करना इसकी उपयोगिता है, मतलब इसका उद्देश्य है। योजना शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों के लिए ही है। अजा अजजा यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए 20% राशि इसमें है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन की तरफ 25% राशि है और कुल कार्यों की 25% राशि यहाँ पर है। तो कुल मिला के ये थी MLA LD योजना, इसके बारे में प्रश्न बन सकता है, आप इसको ध्यान से रखें। एक है स्मार्ट सिटी मिशन, ये वैसे तो केंद्र की योजना है, कुछ शहर इसमें केंद्र का है और कुछ शहर इसमें स्टेट गवर्नमेंट का है। स्मार्ट सिटी आपको पता होगा, चार जो जिले हैं उनको स्मार्ट बनाया जा रहा है, चार जिलों को, उदयपुर, जयपुर, कोटा और अजमेर। तो आपने देखा इनमें क्या लगेगा, इनमें जो है सभी चीज़ें वाईफाई कैमरे के माध्यम से रिकॉर्ड होगी, सारी जो स्मार्ट सिटी होती है। और सबसे बेस्ट जो स्मार्ट सिटी अभी तक बन के तैयार हुई है इंडिया के अंदर, वो है रायपुर, छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है ना रायपुर, तो उस रायपुर को जाके आप देख सकते हैं, वीडियोज उसके पड़े हुए हैं, बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है उसमें किस प्रकार की स्मार्ट सिटी होगी। स्मार्ट सिटी मिशन आपने पढ़ लिया, ये जून 2015 में शुरू हुआ था, ठीक है। आगे हम चलते हैं अमृत मिशन। दोस्तों ये भी एक बढ़िया योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, इसके अंदर जो है जून में ये शुरू हुई थी 2015 में और राजस्थान के 29 शहर इसके अंदर शामिल है। इस मिशन के तहत आने वाले क्षेत्रों के लिए जल आपूर्ति, सीवरेज, कचरा प्रबंधन, नालियां, शहरी परिवहन विकास के लिए किया जाएगा। तो ये जो है जितने भी जल प्रबंधन, कचरा, जल आपूर्ति प्रबंधन, नालियां, सिंचाई, सॉरी शहरी परिवहन, इस प्रकार की जितने भी काम होते हैं ये शहरी परिवहन के अंतर्गत आती है। आगे हम चलते हैं मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, एक मुख्यमंत्री के द्वारा चलाई गई राजस्थान की योजना है जिसपे भी प्रश्न बन सकते हैं और ये प्रमुख योजनाओं में गिनी जाती है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना की मतलब क्या होता है कि इसमें आपको जल जो है इकट्ठा करने के लिए कहा गया है मुख्यमंत्री द्वारा। अब किस प्रकार सारी चीजें होंगी यहाँ देखते हैं। 27 जनवरी आपको सबसे पहले याद रखना है 2016 में कहाँ से, झालावाड़ के गर्दनखेड़ी, एक गाँव है झालावाड़ के अंदर गर्दनखेड़ी। उद्देश्य है इस अभियान का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों के साथ समन्वय, जन भागीदारी, दानदाताओं के सहयोग से 2020 तक चार चरणों में 2100 गांवों को जल में आत्मनिर्भर बनाना, मतलब इस प्रकार से जल का संचयन करो कि गांव ही आत्मनिर्भर हो जाए, गांव को किसी और से सहायता लेने की जरूरत ना पड़े। अब कैसे होगा गांव, गांव कैसे तरक्की करेगा, उसके लिए आएंगे दानदाता, उसके लिए आएंगे जन भागीदारी और समन्वय, यानी सब लोग मिलकर के करेंगे तो होगा। स्थायी उपायों के लिए माध्यम से पानी, पानी को जो है आत्मनिर्भर इकाई बनाने के लिए सिंचित उपजाऊ क्षेत्रों की वृद्धि करने के लिए ये सारी चीजें की गई है, मतलब सिर्फ जल को इकट्ठा करना होता है बेसिक कार्य। निजी लोग, NGO, कॉर्पोरेट से भी सहयोग दे सकते हैं। प्रथम चरण में 3529 गांव जो है इसमें शामिल किए गए, तो ये प्रश्न बन सकता है। आगे हम चलते हैं, आगे अपनी आती है राष्ट्रीय उद्यान मिशन। दोस्तों ये राष्ट्रीय उद्यान मिशन जो है ये बेसिकली विभिन्न बागवानी फसलें जो होती है, फल होते हैं, मसाले होते हैं, फूल होते हैं, इस प्रकार का जो चीजें होती हैं उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए की गई है। तो बागवानी फसलें, फलों, मसालों और फूल के क्षेत्रफल के उत्पादन बढ़ाने के लिए किया गया। इसके अंदर 24 टोटल जिले शामिल हैं, ये संख्या आपको याद रखनी राष्ट्रीय उद्यान मिशन में। एक तो है जिला जयपुर, जिला अजमेर, चित्तौड़गढ़, अलवर, बारा, कोटा, झालावाड़, जोधपुर, पाली, जालौर, बाड़मेर, नागौर, बांसवाड़ा, टोंक, करौली, सवाईमाधोपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, सिरोही, जैसलमेर, गंगानगर में ये क्रियान्वित है, प्रतापगढ़ में ये नहीं है। अगली योजना अपनी आती है सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। दोस्तों सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम एक इस प्रकार की योजना है जो 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक केंद्रीय प्रवर्तित कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया है। केंद्रीय प्रवर्तित के प्रोग्राम के रूप में इसको लागू किया गया है, 7वीं पंचवर्षीय योजना से ये संबंध रखती है, ठीक है ना। उद्देश्य जो है सीमावर्ती जिलों के लिए संतुलित विकास के लिए योजना चार सीमावर्ती जिलों के 16 खंडों में चल रही है, ठीक है ना, चार सीमावर्ती जिले और 16 खंडों में चल रही है। गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना, तो ग्रामीणों के लिए है, ग्रामीण जन भागीदारी इसका नाम है। तो ये जो है इसका शुरुआत हुई थी 30/9/2016 को, सॉरी 2014 को हुई थी ये, और गुरु गोलवलकर जो हैं आप जानते होंगे संघ के बड़े लोग रहे हैं ये, तो BJP की गवर्नमेंट आने के बाद इसको स्टार्ट किया गया है, क्योंकि BJP गवर्नमेंट जो है संघ को एडमायर करती है।
ग्रामीण क्षेत्रों का विकास रोजगार सृजन इसका मुख्य उद्देश्य सामुदायिक संपत्ति के निर्माण के रखरखाव के लिए इसके लिए जनभागीदारी सुनिश्चित करना है। दोस्तों एक बात मैं और बता दूं, आप माने या ना माने, ये योजना गुरु गोलबरकर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ऐसी पहली योजना अभी तक आपको पढ़ा रहा हूं जो सामुदायिक चीजें हैं, समझ रहे हैं, सार्वजनिक चीजें हैं, बस स्टैंड है, सार्वजनिक हैंडपंप है, सार्वजनिक टॉयलेट है, उनके रख रखाव के लिए चलाई गई है। आपने कभी देखा है सार्वजनिक चीजों के रख रखाव के लिए भी एक योजना है, वो राजस्थान में है। देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास रोजगार सृजन और सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण और रखरखाव। तो सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण और रखरखाव के लिए एक प्रश्न बनेगा, तो क्या लगाएंगे, गुरु गोरवलकर जन भागीदारी विकास योजना। योजना राज्य सरकार द्वारा पोषित है, ये केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही है। ठीक है, आगे आता है सौर कृषि कनेक्शन योजना। तो दोस्तों इस कृषि कनेक्शन के माध्यम से, इसके योजना के माध्यम से पंप सेट जो होते हैं सौर ऊर्जा से चलने वाले दिए जाते हैं। प्रथम चरण में 10,000 पंप स्थापित किए गए, इसमें 60% राशि जो है वो कौन देती है, वो राज्य सरकार देती है। आप भी लगवा लीजिए अगर आप किसान हैं तो, और बाकी जो है 40% आपको देना पड़ेगा। तो ये है आपके सौर कृषि कनेक्शन योजना। कुल पंजीकरण शुल्क किसका है, 1,000 रुपये। आगे अपनी आती किसान कलेवा योजना। दोस्तों किसानों को मंडियों में सब्सिडी दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन करवाना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। किसान बेचारे जाते हैं, टेंट लगाते हैं, अपने अनाज की रक्षा करते हैं, जब तक वो तुलता नहीं है, बिकता नहीं है, तो उनके लिए खाने की एक व्यवस्था करवाई गई है, उसका नाम है किसान कलेवा योजना। अनुप्रीति योजना, ST SC OBC SBC की सामान्य जाति के BPL प्रत्येक अभ्यर्थी को अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 1,00,000 रुपये। UPSC का आप एग्जाम दोगे ना, किसके लिए, IAS के लिए, तो अगर आप पास होते हो तो 1,00,000 रुपये दिया जाएगा। और आपको जो है राज्य प्रशासनिक सेवा में उत्पन्न होने पर, यानी कि RAS में उत्तीर्ण होंगे आप, तो तैयारी करो, हो जाओगे, 50,000 रुपये तो वैसे ही आ जाएंगे, नौकरी लगे ना लगे, ठीक है ना। IIT IIMS में अगर आप राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज को प्राप्त करते हैं तो आपको 40,000 रुपये से 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो ये बेसिकली स्टूडेंट के लिए है अनुप्रीति योजना, भूलना मत, ये अपनी योजना है, ठीक है। एक आती मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत विधवा या तलाकशुदा या परित्यक्ता, तीन नाम है अलग अलग प्रकार के, इन जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष से कम है, उन्हें प्रतिमाह 500 रुपये दिए जाएंगे। अब वो कैसे भी हो आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना, 18 से 50 वर्ष के बीच में 500 रुपये प्रतिमाह। अब आपको एक चीज मैं और बताऊं, ये तो पूरी योजना हुई, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ऐसे और कई सारे वीडियो आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि अपने एग्जाम जो है, भले महिला सुपरवाइजर का हो या टैक्स असिस्टेंट का हो, जिनके भी डेट नहीं आई, इनके बारे में एक वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ, डेट के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ मैं, एक स्ट्रेटेजी प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि आपके LDC की डेट आ गई है, तो आपको यहाँ पर ये नीचे दिख रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें, तो यही इन तीन प्लेलिस्ट में आपको LDC के संपूर्ण डेटा आपको प्रोवाइड होंगे। और अब से हम स्पेसिफाई LDC के लिए एक स्पेशल चीज चला रहे हैं, जिस प्लेलिस्ट का नाम है LDC स्पेशल, वीडियो के ऊपर भी लिखा होगा। अगर आपको वीडियो ना मिले, कई बार ऐसा है यूट्यूब में बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती है, नोटिफिकेशन का आपको मिलता नहीं है, तो आप हमारे इस प्लेलिस्ट में आकर LDC स्पेशल के नाम से ये होगी, या संपूर्ण LDC जानकारी के नाम से होगी, आप हमारे प्लेलिस्ट देख दीजिए अगर, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो LDC से संबंधित जो भी प्लेलिस्ट है उसको आप चेक करते रहें, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें स्पेशल मैं LDC के लिए डालने वाला हूँ, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो रेलवे के बारे में बात कर रहे हैं, रेलवे के लिए भी एक स्पेशल एक वीडियो डेली का डलेगा। और बाकी जो राजस्थान के स्टूडेंट बचे हैं, जैसे RAS के स्टूडेंट हैं, जैसे महिला सुपरवाइजर के स्टूडेंट हैं, दोस्तों आपका बहुत सारा डेटा LDC से मिलता भी है, क्योंकि राजस्थान में वो है। और लैब असिस्टेंट वाले बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो दोस्तों चिंता मत करिए, आपके लिए भी वीडियो की व्यवस्था करवाई जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। और एक बात मैं और बता दूं, आज से क्या 2-3 दिन पहले से ये चीजें हो रही है, आज से जो है ये PDF जो है, जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सारा PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। अब होगा ऐसे, या तो जैसे मैंने वीडियो खत्म किया उसके बाद डल जाएगा, या उसके 1 या 2 दिन बाद डल जाएगा। ज्यादातर कोशिश मैं यही करूंगा कि हाथों हाथ डाल दूँ। कई बार क्या होता है कि जो डेटा होता है उसको हाथों हाथ नहीं डालने के लिए हमारी टेक्निकल टीम मेरे से बोलती है, उसका सिंपल रीजन यही होता है, क्योंकि जो हम समझाना चाहते हैं फिर वो आप समझेंगे नहीं, डायरेक्ट PDF पढ़ लेंगे, तो फिर उससे आपको जो मैसेज हम देना चाहते हैं वो आप पहुंच नहीं पाएगा, यही होता है।
तो आपको पीडीएफ भी दे दिया जाएगा ताकि आप शोध अध्ययन कर सके, और आपको ये सारी चीजें भी दे दी जाएगी। और भी कोई अगर आपकी क्वेरी हो, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे लिख रहे हैं सर ये पर्टिकुलर टॉपिक है, जैसे अभी किसी ने लिखा था सर आभूषण का जो क्वेश्चन है हर बार बन रहा है, आप उसमें एक वीडियो बना के डाल दें तो हेल्प हो जाएगी। डेफिनेटली हम डाल देंगे। तो ऐसे एक एक टॉपिक के बारे में अगर आप लिखेंगे तो उन टॉपिक का वीडियो आपको मिल जाएगा, लेकिन बस आप लिखिए, बताइए हमें कि हाँ ये चीज हमें चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं आपको क्या चाहिए, हम हमारे हिसाब से चलते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होगी, लाइव टेस्ट आपको मिलेगा। और ये जो मिशन एलडीसी के नाम से एक प्लेलिस्ट हमने चला रखी है, ये एक मिशन है जो हमारा मिशन है, इसमें टारगेट भी आपको सेट किया जाएगा शनिवार के दिन। तो ये जो है काफी तेज हो जाएगा, अब इसको लाइव करने के हम सोच रहे हैं ताकि आपसे डायरेक्ट इंटरेक्शन किया जाए। और अब जो है पूरी दम लगा दीजिए, यही समय है कुछ कर दिखाने का, बाद में फिर आप कहें रात दिन पढ़े कोई फायदा नहीं है। मैंने कई स्टूडेंट देखे हैं जो एग्जाम नहीं आता आरएएस का, उसके पहले लगातार पढ़ते रहते हैं, जब एग्जाम आ जाता है तब पता नहीं क्या टेंशन ले लेते हैं। तो अब एग्जाम आ गया है, समय थोड़ा कम है, ज्यादा मेहनत करिए। आपको एक स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ थोड़े दिनों में, थोड़े दिनों में क्या आज या कल में दे दूंगा, क्योंकि समय बहुत कम है, मेरे पास भी कम है, आपके पास भी कम है, कोई दिक्कत नहीं। आपका नाम ऐसे शुरू हो या जेड से शुरू हो, कोई भी दिक्कत नहीं, ऐसी स्ट्रेटेजी मेरे पास है, मैंने पहले सेव करके रख रखी है दिमाग में, वो बताऊंगा, कंफर्म आपको हेल्प हो जाएगी, कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए धन्यवाद, बने रहिए डिस्कू जी के साथ। Bird on a tree. I'm just